अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने हैंड्स बैग की कलेक्शन, और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि व्हाट इज़ इन माय बैग। तो आज आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है मेरे बैग में और क्या क्या मैं रखती हूँ। जी तो स्टार्ट करते हैं हैंडबैग से। टन टन टन, तो ये मेरा हैंडबैग है प्राडा का, और ये मैंने सिर्फ दो दफ़ा यूज़ किया है। ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने खुद ख़रीदा था। जी तो अगला बैग है ये वाला, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए लाई थी अमेरिका से, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसकी बैक है और ये इसका फ्रंट है, और मुझे बहुत पसंद है। तो अगला बैग है ये वाला, ये मैंने दुबई से मंगवाया था ऑनलाइन, और ये इसकी बैक है, ये इसका फ्रंट है, और इसके अंदर एक छोटू सा और भी बैग है, और वो है ये। तो नेक्स्ट बैग है ये वाला, ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे भेजा था मेरी बर्थडे पे, वो अमेरिका होते हैं, और ये इसका बैग है, ये इसकी फ्रंट है, और ये मेरे फेवरेट्स बैग में से एक ये भी बैग है। तो अगला बैग है ये वाला, ये मेरी कज़न ने मुझे बहुत प्यार से मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और ये इसकी बैग है, ये इसका फ्रंट है, उन्होंने यहीं पाकिस्तान से लिया था, एंड मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है बैग। जी तो ये मेरा एक छोटू सा बैग है, और ये मैंने लाइमलाइट से ख़ुद लिया था, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। जी तो एक और छोटू सा बैग है मेरे पास, और ये मेरी कज़न जर्मनी से लाई थी मेरे लिए, और ये मुझे बहुत पसंद है, और ये ऐसे खुलता है, ये इसकी ज़िप लगी हुई है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। जी तो अगला बैग मैंने लिया था मरी से, एक पठान से, क्योंकि मुझे वो बैग बहुत कलरफुल था, तो मैंने सोचा कोई भी गर्मियों में सिंपल सा, जैसे ब्लैक हो जाता है प्लेन और जैसे वाइट हो जाता है, तो उसके साथ ये बैग मैं अगर लूँ कलरफुल तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो बैग था ये वाला, ये इसका फ्रंट है, ये इसकी बैक है। तो अगला बैग मैंने लिया था ऑनलाइन RTW क्रिएशन से, और जिसका पेज इंस्टाग्राम पे भी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मंगवा सकते हैं वहाँ से। तो वो बैग था ये वाला, ये बड़ा अच्छा बैग है, और मैंने काफ़ी जगह इसको यूज़ किया हुआ है, तो लोग मुझसे पूछते हैं आपने ये बैग कहाँ से लिया, फिर मैं उनको बताती हूँ। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और ये बैग अंदर से गंदा भी हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितना किसको यूज़ किया। जी तो अब आते हैं मुद्दे पे, जो आप सब मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ इन माय बैग, तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरा बैग है बुटीका का, और ये मेरी सिस्टर ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे ब्रदर इन लॉ अमेरिका में रहते हैं, तो ये मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने और मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और ये मुझे बहुत प्यारा बैग लगता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बैग के अंदर क्या क्या होता है, और प्लीज़ माइंड नहीं करना, गंद भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरा वॉलेट प्राडा का, तो ये हमेशा मेरे साथ होता है, और उसके बाद ग्लासेस, और ये बड़ी, ये मैंने आई थिंक सो पता नहीं कहाँ से ली थी, मुझे याद नहीं है। तो ये साथ होती हैं हर वक्त मेरे बैग के अंदर। और नेक्स्ट है ब्यूटी बाय आमना के वाइब्स, तो क्योंकि मेरा सैनिटाइज़र ख़त्म हो चुका है, तो ये भी मेरे बैग के अंदर रहते हैं, जब मैंने हाथ साफ करने हों तो मैं इनसे भी कर लेती होती हूँ। और उसके बाद मोबाइल केबल, चार्ज केबल, ये भी होती है मेरे बैग के अंदर एक्स्ट्रा। और पावर बैंक, ये भी मैं रखती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी आपका मोबाइल ऑफ हो जाए, आपका मोबाइल आपको धोखा दे दे, तो आप चार्ज कर सकते हैं। जी तो उसके बाद मेरे बैग के अंदर होता है परफ्यूम, और ये छोटू सा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, और
प्लीज़ ये ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद माइकल कॉर्स का ये बॉडी लोशन है, लेकिन मैं हैंड के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि कभी हाथ धोने हों तो हैंड ड्राई हो रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसको अपने बैग के अंदर रखती हूँ। और जी उसके बाद है तो ये एक अलमीरा का परफ्यूम का सैंपल है, तो मैंने ड्रेस लिया था वहाँ से, तो उन्होंने फिर मुझे ये दिया था, तो मैंने ये तब का मेरे बैग में पड़ा हुआ जी। तो उसके बाद आ जाते हैं मेरे मेकअप पाउच पे। इसके अंदर मेरा सारा मेकअप है जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मेरे बैग के अंदर ही होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओह शिट, चले वो बाद में दिखा देंगे जब गिरा है। मस्कारा, उसके बाद ये मेरे आईब्रो कलर है जिससे मैं आईब्रो बनाती हूँ छोटा सा। उसके बाद है काजल पेंसिल। और उसके बाद है ये मेरी कज़न लाइन थी जर्मनी से H&M का टिंट, ये मेरे बैग के अंदर होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद है लिप बाम। उसके बाद है ये मेरा टार्ट का छोटा सा मिनी सा कंसीलर जो मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये भी मेरी कज़न लाई थी जर्मनी से। लिपस्टिक है ये, बहुत अच्छी है, जो मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, टिंट की तरह है और लिप्स पे भी लगा लेती हूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं, मेरे पास छोटे छोटे से दो कैचर हैं और एक ये रबड़ बैंड है और एक ये कलर बहुत मज़े का है और ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और ये बहुत ये लिपस्टिक है, ठीक है, ये छोटू सी ये लिपस्टिक है। तो उसके बाद मेडिसिन, ये बेस्ट मेडिसिन है और ये यहाँ से नहीं मिलती, ये मेरी कज़न लाई थी लंदन से, तो उनको पता है कि मेरे सर में दर्द होती है या मुझे माइग्रेन कभी कभी प्रॉब्लम करती है दर्द, तो फिर मैं ये वाली मेडिसिन यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो उसके बाद ये एक पफ है और ये बस टचअप के लिए मैंने रखा हुआ है ये, तो बस ख़त्म। तो मेरे बैग के अंदर ये होता है जी। तो आज आपको मैंने अपनी बैग हैंड बैग्स की कलेक्शन भी दिखा दी और व्हाट इज़ इन माय बैग वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो मुझे कुछ मैसेज आए थे लड़कियों के कि उनको एक्नी प्रॉब्लम है, तो जिन जिनको एक्नी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट में बताएं, उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।